गोला थाना क्षेत्र के नशे में धुत दीवान शैलेश सिंह ने चंद चौराहे पर ग्रामीणों से विवाद कर लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित दीवान को लाइन हाजिर कर दिया है तथा मामले की पूरी जांच के लिए सीओ गोला को जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि गोला थाने पर तैनात दीवान शैलेश सिंह ने थाना क्षेत्र के चंद चौराहे पर घंटों शराब के नशे में ड्रामा किया तथा ग्रामीणों से विवाद किया एवं समझाने गए ग्रामीणों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दीवान शैलेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि दीवान का सादे कपड़े में ग्रामीणों से विवाद करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देखते हुए दीवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा मामले की जांच सीओ गोला को सौंपा गया है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, वीडियो ये बताइए सादे ड्रेस में आप अंदर से दारू पी रहे हैं, लड़के से मार कर रहे हैं, मेरा चैन दे दो भाई। ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रशासन है तो आपके साथ सबके साथ ये हेल्प करेंगे, बताइए आप ये सबका सुरक्षा आप करेंगे कि सबको मारते चलेंगे, बताइए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नहीं भैया पी के नौटंकी किए हैं भाई, आप प्रशासन हम लोग के देख रेख में करने आए कि आप यहाँ सबको मारते पी के चलेंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नहीं है ना, अरे आप ठीक है, प्रशासन आप किसी को मारते चलेंगे, बेचारे उसको इतना मारे हैं, बताइए, ये गलत बात है। आपके साथ जी, इसमें गोला थाने में एक हेड कांस्टेबल हैं, वो सादे कपड़ों में हैं, उनका ग्रामीणों से विवाद हुआ था, इस पर हमने जांच जो है सीओ गोला साहब को दी है और जांच समाप्त होने तक जो हेड कांस्टेबल हैं उनको लाइन हाजिर किया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।